गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर स्टेशन रोड के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के नगर कीर्तन निकाला गया। पंच प्यारों की अगुवाई में नगर कीर्तन शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरा। राजकुमार कॉलेज के पास होटल ग्रैंड इम्पीरिया और ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने सपरिवार पंच प्यारों पर पुष्प वर्षा कर गुरु ग्रंथ साहिब पर मत्था टेका। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा और एमडी व छत्तीसगढ़ होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष तरनजीत होरा ने प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस मौके पर लंगर और प्रसादी का वितरण कई घंटों तक चलता रहा। होरा परिजनों ने भी जमकर सबको लंगर छकाया। गुरु नानक देव जी के 554वें प्रकाश पर्व पर स्टेशन रोड गुरुद्वारा से नगर कीर्तन निकाला गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की छत्र छाया में निकाले गए इस नगर कीर्तन की अगुवाई पांच प्यारों ने की। नगर कीर्तन की सेवा सत्कार करने जगह जगह श्रद्धालुओं ने लंगर के स्टॉल लगाए थे। राजकुमार कॉलेज के पास ही ग्रैंड ग्रुप ने भी स्वागत और लंगर के लिए स्टॉल लगाया था। नगर कीर्तन जब ग्रैंड ग्रुप के स्टॉल तक पहुंचा तब ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा और छत्तीसगढ़ होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष तरनजीत सिंह होरा ने पंच प्यारों पर पुष्प वर्षा और माला पहनाकर आशीर्वाद दिया। गुरु ग्रंथ साहिब पर मत्था टेक कर सबकी खुशहाली के लिए कामना की। इस मौके पर गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि गुरु नानक देव सभी के आराध्य हैं। प्रकाश पर्व के अवसर पर पूरे प्रदेश की खुशहाली की कामना की। वास्तु गुरुजी राणा सिकंदर बसंत मोटर्स की संचालक गुरमीत सिंह भाटिया के साथ मिनी होरा ने भी सभी को प्रकाश पर्व की बधाई दी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पे नगर कीर्तन का आयोजन किया गया है, जो कि स्टेशन रोड गुरुद्वारे से होता हुआ टाटीबंध गुरुद्वारे में समापन होगा। इस अवसर पे मैं समस्त छत्तीसगढ़ की जनता को, पूरे देश को, पूरे विदेश को गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि गुरु नानक देव जी के बताए हुए रास्ते पे चलते हुए हम इस देश को महान स्थिति पे पहुँचा। नगर कीर्तन में आप लोग कुछ भंडारा भी कर रहे हैं? जी, नगर कीर्तन में देखिए लंगर का आयोजन है हमारा ग्रैंड ग्रुप की तरफ से। वृहद रूप से पूरे लंगर का आयोजन है। जितने लोग आएंगे उनको प्रसाद दिया जाएगा, चाय वितरण की जाएगी, शरबत दिया जाएगा, सारी तरह की व्यवस्था हमारे द्वारा की गई। प्रदेश की जनता को क्या कहना चाहिए? प्रदेश की जनता को यही कहना चाहूँ, गुरु नानक देव जी का जो उत्सव है वो धूमधाम से मनाएं। और गुरु नानक देव जी सबके चाहने वालों में एक गुरु थे और उनकी जो महारत, एक सिख समाज ही नहीं, वो हर समाज के गुरु थे, और उनके जन्म दिवस को धूमधाम से मनाया जाए। आप सभी को प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। 554 साल अब तक कम्प्लीट करे हैं हम लोगों ने, तो आप सभी को, सारे देशवासियों को बहुत 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 बधाई हो। हैप्पी गुरु नानक जयंती। प्रकाश पूर्व की सब संगत को बहुत बहुत बधाइयाँ। नगर कीर्तन की सेवा में यहाँ हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं और नगर कीर्तन का स्वागत करने में होरा परिवार और सब यहाँ पर, सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम लोग का गुरु नानक जयंती के उस पे नगर कीर्तन है और ये ग्रैंड इम्पीरिया की तरफ से पकौड़े की और चने की सेवा है संगत के लिए, तो आप लोग आइए और इसका प्रसाद छकिए। मैं प्रकाश पर्व के अवसर पर मैं हार्दिक बधाई और शुभकामना देता और ग्रैंड जो ग्रैंड इम्पीरियल की ओर से भी मैं हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। गुरु नानक देव की प्रकाश पर्व पर भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। इसकी अगुवाई परंपरागत वेशभूषा में पांच प्यारों ने अपने हाथों में कृपाण लेकर की। उनके पीछे फूलों से सुसज्जित भव्य पालकी में गुरु ग्रंथ साहिब को श्रद्धालु लेकर आगे बढ़ते रहे। श्रद्धालु पालकी के आगे सड़क की सफाई कर रास्ते भर पुष्प बिछाते रहे। गतका दल के लोगों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। नगर कीर्तन के मौके पर छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेंद्र सिंह छाबड़ा सहित सिख जनों ने प्रकाश पर्व की बधाई दी। इस दौरान बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग शामिल हुए। प्रकाश पर्व के पूर्व जो नगर कीर्तन निकलेगा उसमें सिख जन बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आप देख रहे हैं कि स्टेशन रोड गुरुद्वारा से निकली जो नगर कीर्तन है वो, उसमें सिख जो है वाहे गुरु की जयकारे के साथ लगातार बढ़ रहे हैं और ये टाटीबंध गुरुद्वारे में जाके समाप्त होगी। प्रकाश पर्व क्या करना चाहिए? गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में आज नगर कीर्तन निकाला जा रहा है। विशाल नगर कीर्तन है जो स्टेशन रोड से होके टाटीबंध गुरुद्वारे तक जा रहा है और पूरी जनता बहुत हुमा के इस
प्रोग्राम में हिस्सा ले रही है, नगर कीर्तन में हिस्सा ले रही है और 27 तारीख को गुरु नानक जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। ये क्या कहना चाहेंगे प्रकाश? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पूरे नगरवासी, पूरे देशवासी, पूरे समूह, पूरे विश्व को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की लख लख बधाइयाँ। और ये विशाल नगर कीर्तन गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया में, पंच प्यारों की अगुवाई में स्टेशन रोड गुरुद्वारा से लेकर टाटीबन गुरुद्वारा तक आज जा रहा है। सारी समूह साध संगत को जगह जगह पर स्वागत किया जा रहा है इस प्रकाश पर्व की। समूह साध संगत को, पूरी नानक लेवा साध संगत को लख लख बधाइयाँ। वाहेगुरु जी का। ये नगर कीर्तन में खासा उत्साह सिख समाज में देख रहा है। वाहेगुरु की जयकारे के आप लगातार कर रहे हैं और पंच प्यारे भी आपके साथ चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज 555वां जो गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है उसके खुशी में शोभा यात्रा हमने निकाली है, जो गुरुद्वारा स्टेशन रोड से आरंभ होकर टाटीबंद गुरुद्वारा जो कि यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है वहाँ जा रही है। निश्चित रूप से पूरी संगत में बहुत उत्साह है और हम देख रहे हैं बच्चे बड़े भी, जो लेडीज़ है, सब में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर बहुत ही उत्साह है। और मैं इस अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के सिख समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और कुछ लोग जानते हैं कि वो प्रकाश पर्व पे क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रकाश पर्व पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रकाश पर्व है आज, नगर कीर्तन निकला है? आज नगर कीर्तन है, पहले तो हमारे सिख समाज के लिए गौरव और हर्ष का विषय है। मैं हमारे सिख समाज के सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार होता है और हर साल नगर कीर्तन समाज के द्वारा निकाला जाता है, विशाल नगर कीर्तन। मैं सभी सिख समाज को बहुत बहुत बधाई एवं ठीक। सिख समाज के महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। इसमें एक सबसे बड़ा मीनिंग है, नानक नाम चढ़ती कला ते माने सरबत का भला। तो हम चाहते हैं बस सबका भला हो, नानक जी यही सिखाते हैं हमको। वाहेगुरु जी का खालसा। गुरुवाणी में देखेंगे नानक जी ने कहा है कि सबका भला, सबका भला हो, इसी आस के साथ यहाँ पर लोग निकले हैं। क्या कहना चाहेंगे प्रकाश पर्व जी? प्रकाश पर्व क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? बस अब ये गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है, अच्छा धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस बार तो टाटीबंद जा रहा है हमारा, जैसे रूट चेंज किया तो अच्छा लग रहा है। अभी बहुत बहुत बधाई प्रकाश पर्व। श्री गुरु नानक देव जी जो मानस की जात एक पहचानो, सबके धर्म धर्म की बात करते हैं, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में आज नगर कीर्तन आयोजित किया गया है। पूरे समाज के लोग, सिख समाज के साथ गुरु नानक नाम लेवा संगत के अलावा सभी धर्मों के लोगों ने स्टाल लगाया है, इस नगर कीर्तन का स्वागत कर रहे हैं, जो एक मिसाल है आपसी भाईचारा की और यह मिसाल हमेशा कायम रहेगी। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के 554वीं जयंती के अवसर पर आज गुरुद्वारा स्टेशन रोड रायपुर से नगर कीर्तन के रूप में हम लोग टाटीबंद गुरुद्वारे तक जा रहे हैं और हमारा मुख्य कार्यक्रम खालसा स्कूल में 27 तारीख को होगा। गुरु नानक देव की जयंती के अवसर पर सभी सिख धर्मावलंबियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं।